उत्तराखंड में चीख पुकार मची है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर। वो बेटी जो अपने माता पिता का सपना सच करने गई थी, घर से बाहर घर की आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए हाथ बटाने के लिए गई थी, उस बच्ची की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी इज्जत का सौदा करने से इनकार कर दिया। अंकिता भंडारी यही थी वो लड़की। अब वो तो चली गई है लेकिन रोता बिलखता छोड़ गई है उत्तराखंड की बाकी की लड़कियों को, पूरे उत्तराखंड को, संदेश दे गई है पूरे देश को। ये भ्रामक संदेश है कि अगर जिस्म का सौदा नहीं करोगे तो अपनी जान गवाह बैठोगे। इस मानसिकता को बदलना होगा और बदल सकती है तो सिर्फ सरकार। सरकार को मामले में नजीर पेश करनी होगी, दोषियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी कि आगे किसी भी लड़की से इस तरह के काम के बारे में बात करने से पहले भी लड़कों की रूह कांप जाए, लड़के 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएं। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक यूं ही उत्तराखंड की जनता के रोष का शिकार होती रहेगी। इसी गुस्से को शांत करने के लिए धामी सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करानी होगी। अगर नहीं करा पाए तो उत्तराखंड की जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी चैन से जीने नहीं देंगी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगती एक लड़की का वीडियो साझा किया है। लिखा है, क्या देवभूमि की बेटी की चीख केंद्र में बैठे भाजपा सरकार तक नहीं पहुँच रही है? एक ट्वीट तक नहीं आया। हालांकि अनुराग भदौरिया के इस ट्वीट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। नेगी ने लिखा, केंद्र की सरकार ट्वीट करने और दोषी को बचाने वाला काम नहीं करती, समझ आया? निर्भया वाला केस 7 साल लगे तब तुम्हारे मुंह में दही जमी थी, तो मोदी गवर्नमेंट नहीं थी। मनीष नाम के यूजर ने लिखा, ये लोग राजनीति करने आए हैं, राज्य सरकार बुलडोजर चला चुकी है रिजॉर्ट पर, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, जल्द से जल्द फांसी भी होनी चाहिए, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा ऐसे दरिंदों का। भगवान दलेर ने लिखा, तो अखिलेश का चम्मच उत्तराखंड कहां पहुंच गया? तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है, एक्शन लिया जा चुका है, पीलीभीत रेप पर तू क्यों चुप था? राशिद खान ने लिखा, बीजेपी बेटी बचाओ दिखावा करती है और कुछ नहीं। बालकृष्ण ने लिखा, अबे तेरी पार्टी तो बोलती है कि लड़कों से गलती हो जाती है, अब क्यों रो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ बीजेपी शामिल है? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख, दम है तो मेरे ट्वीट का जवाब दे। तो ज्यादातर लोगों ने तो सवाल उठाने वाले अनुराग भदौरिया की ही क्लास लगा दी। हालांकि कुछ लोगों ने बीजेपी सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। फिलहाल तो अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना जरूरी है, जिसके लिए पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। देवभूमि की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संगठित खड़ा नजर आ रहा है। मांग बस एक कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके में एक रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। हर रोज अपने काम पर जाने वाली अंकिता 19 सितंबर से गायब थी। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस और एसटीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद अंकिता के शव को नहर से बरामद किया गया। अंकिता की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी से निलंबित पुलकित आर्य मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट अनूप गुप्ता पर लगा है। देखते हैं इनका दोष सिद्ध होने में फिलहाल कितना वक्त लगता है और कानून इनको इनके किए की सजा क्या देता है। वैसे आपके हिसाब से दोषियों को क्या सजा दी जानी चाहिए? जो लोग एक लड़की की इज्जत को एक चीज समझते हैं उनके लिए क्या सजा सही रहेगी? अंकिता भंडारी को कैसे न्याय मिलेगा? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।